क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। विश्वास हर रिश्ते की नींव होती है और विश्वासघात उस नींव को हिला देने वाला एक ऐसा जरिया होता है जिसके बाद सारे रिश्ते नाते हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। हर परिवार में प्यार और तकरार होना स्वाभाविक है। जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो विभिन्न विचार होते हैं और इस वजह से मतभेद और झगड़े शुरू हो जाते हैं और जब इन झगड़ों की वजह से लोग एक दूसरे के साथ बात करना बंद कर देते हैं तब जन्म लेता है अपराध। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। रे रेखा, तुम? बाप रे, इतने सालों बाद। By God, बिल्कुल नहीं बदले तुम। वैसे ही मेंटेन करके रखा हुआ है। तू तो पूरी चेंज हो गई है। पहले से ज्यादा सुंदर हो गई है। अब मैं तो यही रहती हूँ, तू बता यहाँ कैसे? बस यार, अब ये वाले कपड़े मेरे एरिया में नहीं मिलते ना, सारी डिजाइनर शॉप्स है वहाँ पर, बार्गेन भी नहीं कर पाती ना। तुझे तो पता होगा तू रही है ऐसे एरिया में। वैसे मॉमनेट कैसे है? ठीक है, वहीं पर रहते हैं क्या? बात बात होती है? बात तो नहीं होती पर सब अच्छे है। तू आती रहती है यहाँ शॉपिंग के लिए, तो चल एक दिन घर भी आ जा। अरे मैं आज ही चल देती बट अर्जुन ऑफिस से आते होंगे ना, तुझे पहुंचूंगी लेट हो जाएगा। तू ऐसा कर, मुझे अपना नंबर दे, मैं जल्दी मिलती हूँ। We'll see you. मिलते हैं। Nice meeting you यार। तुम्हें पता है अर्जुन, हम सब कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं। और ये शुभ, ये तो बड़ा फेमस था कॉलेज में, लड़कियां मरती थी इस पर। और ये महाशय भी कुछ कम नहीं थे, कई लड़कियों से अफेयर था इसका। फिर शुभ ने न जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़कर रेखा से शादी कर ली। अब शायद दोनों साथ में खुश भी हैं। क्यों शुभ? हाँ हाँ, हम बहुत खुश हैं साथ में, बिल्कुल बाकी शादीशुदा लोगों की तरह। हम खुश हो या ना हो, पर एक बात तो है, हम शादी नहीं करते तो नमिता तुम्हें नहीं मिलती अर्जुन। हम तीनों की जोड़ी थी ही इतनी पक्की, पर हम दोनों की शादी ने नमिता को अकेले कर दिया। वैसे पता है रेखा, आज जो कुछ भी है ना मेरे पास, सब तुम दोनों की वजह से ही है। यार ये सब छोड़िए, अब तो हम मिल ही लिए, आज तक तुम दोनों के बारे में सुना ही था, लेकिन आज तो मिल गए, तो एक काम करते हैं, इस अच्छी मुलाकात को एक अच्छे मूड में बदलते हैं। तो इसीलिए लीजिए अपने ग्लास, लीजिए। काफी स्ट्रॉन्ग है। वैसे एक बात हमें समझ में नहीं आई कि नमिता जब से तुमसे मिली है तब से फोन पे लगी रहती है। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई
दूसरा अफेयर वफेयर? हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, कॉलेज में भी हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती थी, पर फिर शुभ पूरी ड्रिंक शॉट पे गिरा दी। तुम्हारी आदत बिल्कुल नहीं बदली हाँ। अब ऐसे साफ मत करो, ऐसे साफ नहीं होगा, स्मेल भी रह जाएगी। चलो मैं क्लीन करा देती, आ जाओ, उठो उठो। अरे क्लीन नहीं होगा ऐसे, चलो चलो तुम्हारे। अब मैं आती हूँ। देख, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे शुभ अपने ऊपर पता नहीं फिर से क्या गिरा लेगा, मैं उसकी मदद कर देती हूँ ना। अरे शुभ कोई बच्चा थोड़ा है, आप बैठिए ना। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि ऐसी क्या खूबी आप में कि जो नमिता आपसे बात करती रहती है। देखना पैम्पर करते हैं मुझे। दुकान से सारा लेटेस्ट कलेक्शन घर पर ही मंगा लिया, और मैं सोच सोच कर परेशान हूँ सुबह से कि कौन सा रखूं। सब कितने प्यारे हैं ना, बताना रेखा कौन सा रखूं। इसलिए डिनर पे बुलाया ना। क्या? ताकि तू ये सब दिखा सके। अर्जुन जैसे बिजनेसमैन से शादी करके तू कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रही। पता था ना तुझे कि शिव के पास पैसे नहीं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है। जताना चाहती है कि शुभ से शादी करके मैंने कितनी बड़ी गलती की। ये सब क्या बोले जा रही है रेखा, मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू सच बता, तुझे ऐसा लगता है कि इतनी पुरानी बात मैं अपने दिल में रखूंगी? मैं कब का ये सब भूल चुकी हूँ यार। शुभ को तुझसे शादी करनी थी, उसने कर ली। तुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ, अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ मैं। तू भी ये सब भूल जा, उम्र ही क्या थी हमारी जिंदगी को समझने की। चलो आप अब बताओ कि कौन सा लूं। बैठो। सारे ही अच्छे हैं, कोई भी रख ले। वैसे भी तेरी किस्मत और लुक्स इतने अच्छे हैं कि कुछ भी रम जाएगा तेरे ऊपर। आज तूने कोई मदद नहीं की मेरी। चल कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगी। चलते हैं, अर्जुन और शुभ बोर हो रहे होंगे, पहली बार मिले ना दोनों। चल रेखा आजा। हाँ। नाम क्या है तेरा? रहता कहाँ है? कुछ बोलेगा? सर ये फोटो मिली है इसके फोन में। इसके अलावा कोई और डिटेल्स, चैट्स, मैसेजेस, कॉल्स? नहीं सर, नया सिम डाला है फोन में, कोई डिटेल्स नहीं है। और कुछ बोल भी नहीं रहा है, लगता है हिस्ट्री शीटर है और प्रोफेशनल भी। इस फोटो में जो लड़की है इसकी जान खतरे में हो सकती है। तुम एक काम करो, इस फोटो में जो लड़की है इसे ढूंढो और बाकी सभी पुलिस स्टेशन में ये फोटो सर्कुलेट कर दो। और इसे फिलहाल लॉकअप में डाल दो। देख क्या रहा है, आग नीचे कर। बुलाना ही नहीं चाहिए था तुम लोगों को, गलती कर दी हमने। हिम्मत कैसी हो ऐसा हमें बोलने की? हाँ खुद तो सारे गहने मेरे सामने बिछा के रखे थे, मैंने तो ध्यान से देखा भी नहीं। घर पे खाने के लिए बुलाते हैं, बेइज्जती करने के लिए। सही कह रही हो, तुम जैसे चोरों को घर बुलाना ही नहीं चाहिए। तू चोर, तेरा पूरा खानदान चोर। एक तो पैसे के लिए पति से शादी की और मुझे बोल रही है चोर। ए! क्या चल रहा है ये सब? मच्छी बाजार समझ रखा है आप लोगों ने? पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, कमीज से पेश आइए। नितिन क्या चल रहा है ये सब? मैं चोरी की कंप्लेन लिखवाने के लिए आए हुए हैं। दिखने में अच्छे खानदान के मालूम होते हैं आप लोग, सभ्य इंसानों की तरह अपनी कंप्लेन दर्ज करवाइए। नितिन कंप्लेन लिखो इनकी। चलो हमारे साथ। मैम मोहाली पुलिस स्टेशन से हमारे पास एक तस्वीर आई है। ये तो वही लड़की है ना जो गहनों की चोरी की कंप्लेन लिखवाने आई थी? इसकी तस्वीर मोहाली पुलिस के पास कैसे? मैम ये तस्वीर किसी शूटर के पास मिली है। शूटर के पास इसकी तस्वीर कैसे? पता करना होगा।
किसने दी थी सुपारी बता। यादव किसने दी तुझे सुपारी? बता। सर फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से फोन आया है, लड़की का पता चल गया है। सर लड़की का नाम नमिता है, इसके और इसके हस्बैंड ने फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सर। इससे पूछताछ जारी रखो, जब तक सुपारी देने वाले का नाम नहीं बताएगा तब तक छोड़ना मत। सर हेलो, रेखा नमिता और शुभ जो कि कॉलेज के एक समय के बहुत अच्छे दोस्त थे, अचानक एक दिन वो एक दूसरे की जिंदगी में आ जाते हैं और इनके मिलते ही शुरू हो जाता है साजिश और अपराध का सिलसिला। नमिता के घर से गहने गायब हो जाना और उसके कुछ दिनों बाद ही एक ऐसे सुपारी किलर का पकड़े जाना जिसको नमिता को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, क्या ये संजोग था या फिर एक सोची समझी साजिश? कौन रच रहा था ये खेल और इन तीनों में से किसकी जिंदगी लगने वाली थी दांव पर? पहले नमिता के घर चोरी होना, फिर चोर या चोरी के गहनों का ना मिलना, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को नमिता की सुपारी दी गई। मैडम मुझे किसी तरीके से एक दूसरे से केस जुड़ा हुआ लग रहा। अब तो इन चोरों से मिलना ही पड़ेगा। मैम। हाँ बोल क्या? ठीक है मैडम, अब उन चारों में से एक से मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्यों? होटल डिजायर में एक मर्डर हुआ है। किसका? अर्जुन का। सुपारी दी गई नमिता के नाम की और खून हो गया अर्जुन का, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम की सुपारी निकाली गई हो? हो सकता मैडम, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। आप लोग बाहर जाकर खड़े रहो। फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कीजिए। क्लोज रेंज से शूट किया गया है। गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी? नहीं मैम। हो सकता है साइलेंसर लगा के शूट किया हो पिस्टल पर। प्रोफेशनल शूटर का काम है ये। गेस्ट का नाम क्या है? हितेश मैम। आप लोग कंप्यूटर में एंट्री नहीं करते? इनकी नहीं की थी मैम। फिर तो इनकी आईडी भी नहीं ली होगी आपने? इन्होंने मैम कुछ ही देर के लिए रूम लिया था, बाकी बहुत से लोग भी ऐसा ही करते हैं, घंटे के लिए रूम लेते हैं और फिर बाद में पेमेंट भी कैसे ही करते हैं। कोई मिलने आया था इनसे? रिसेप्शन पे तो नहीं मैम, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट रूम में गया हो तो कुछ कह नहीं सकते। मैडम ये देखिए ब्रेसलेट, लगता है कोई दूसरी औरत थी उसकी जिंदगी में। टैग भी लगा है, शायद गिफ्ट लाया था उसके लिए। मतलब उसी दूसरी औरत के चक्कर में ये अपनी बीवी को मरवाना चाहता था, या फिर औरत इसे हासिल करने के लिए इसकी बीवी को मरवाना चाहती थी। हो भी सकता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ। जी मैम। जल्दी सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेज कलेक्ट कीजिए। जी हाउलर। यस। भाभी भैया का फोन लगा क्या? नहीं लग रहा है रिंकी, पता नहीं कहाँ रह गए। कहाँ हो सकते भैया?
भैया। क्या हुआ, कहाँ है अर्जुन? अर्जुन, आपको ऐसा क्यों लगा कि हम अर्जुन के बारे में ही बात करने आए हैं? क्योंकि भैया आए नहीं रात भर घर, और उनका फोन भी नहीं लग रहा था। क्या वो अक्सर ऐसा करते हैं? नहीं, उनके रात भर घर से बाहर रहने की आदत नहीं है, बस कल नाराज होकर घर से गए थे। और वो नाराज क्यों थे?